أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर व आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको एमए एजुकेशन जो कि GCUF यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डिग्री है इसकी बुक एजुकेशनल रिसर्च के गेस्ट पेपर इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है और मेरी आवाज़ पर लाजमी फोकस कीजिएगा, क्योंकि रिटन फॉर्म में मैं नहीं दिखाने वाला गेस्ट पेपर बल्कि आवाज़ की सूरत में दिखाऊंगा। तो काइंडली आपने एक दफ़ा वीडियो को सुनना है, अगर ना समझ आए तो दूसरी बार भी ना समझ आए तो तीसरी बार लाजमी फोकस करना है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। और चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वीडियो की तरफ। हसूल इलम के रवायती तरीके बयान करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वही वजदान, फहम, अकल, इस्तदाल, ठीक है, इस तरह के सवालात को आपने अच्छे तरीके से पहले चैप्टर में से तैयार करना है। तो नेक्स्ट दूसरे चैप्टर की बात, तहकीक से क्या मुराद है, तहकीक के मराहल, इसकी खसूसियात, इसके वज़ाइफ आपने लाजमी अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, मराहल, वज़ाइफ, खसूसियात। नेक्स्ट है जी, तहकीक की ज़रूरतों अहमियत बयान करें, तहकीक में उस्तदज़ा का करदार बयान करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी जी। तहकीक की दर्जा बंदी बयान करें, इसकी खूबियां, खामियां, मराहल, तरीक़ाकार आपने हर लिहाज से जितनी भी तहकीक की दर्जा बंदियां हैं उनकी खूबियां, खामियां और मराहल और तरीक़ाकार को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है जी। नेक्स्ट बात करते हैं जी, हाँ जी, तारीखी तहकीक की इकसाम बयान करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी जी। नेक्स्ट है जी, तजर्बाती तहकीक की खसूसियात, अनासर और तजर्बाती तहकीक के खाकों की इकसाम बयान करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। साइंसी तरीक़ा तहकीक के मराहल बयान करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए जी। नेक्स्ट सवाल है जी, मुशाहदे से क्या मुराद है, इसकी खसूसियात और इसके असूल आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं जी। इंटरव्यू से क्या मुराद है, इसकी खूबियां और खामियां आपने तैयार करनी है जी। नेज़ आपसे पूछ सकता है जी, इंटरव्यू का इंतखाब करने वाले को कैसे इंतखाब करना चाहिए, इसके अलावा इंटरव्यू की तदाबीर बयान करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। और नेक्स्ट एक अहम बात बताता चलूँ कि अभी तक गेस्ट पेपर ख़त्म नहीं हुए और वो अहम बात यह है कि मैंने 9th से लेकर MA इंग्लिश तक ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर और कमेंट सेक्शन पर लाजमी रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं उनके एडमिशन से लेकर उनके एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। तो अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप लोग लाजमी रब्ता कीजिएगा। और इससे भी बड़ी अहम बात यह है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस दिन के किसी भी वक्त अटेंड कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप की सूरत में भी और जूम ऐप की सूरत में भी, जिसमें आप ईजी फील करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा ये है कि आप लोग दिन में कोई भी अपनी मसरूफियात सर अंजाम दे सकते हैं और साथ आप घर बैठे एमए की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं जी, नेक्स्ट है जी, सवालनामे से क्या मुराद है, इसकी खसूसियात, खूबियां, खामियां और इसके तैयारी के मराहल तैयार बयान करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है जी जी। रिपोर्ट की खसूसियात बयान करें जी, रिपोर्ट लिखने के लिए आपसे ये पूछ सकता है कि इसके कितने तरीके हैं, इसके दोनों तरीके हैं, उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, एक अमूमी एक मखसूस, तो आपने दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है जी। ये थे आज के गेस्ट पेपर एजुकेशनल रिसर्च के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको गेस्ट पेपर अच्छे लगे और वीडियो भी अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा और अगर आपको मज़ीद गेस्ट पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर बता दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं अपने तजर्बे की रोशनी में आपको गेस्ट पेपर वीडियो की सूरत में सेंड कर दूँगा। और अगर आपको वीडियो की समझ नहीं आई तो लाजमी कमेंट सेक्शन पर रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सअप नंबर पर भी गाइड कर दूंगा और इसके अलावा कमेंट सेक्शन पर भी, जैसे आपको मुनासिब लगे इसी तरह गाइड कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पर जाके ऑल पे लाजमी प्रेस कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।